तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो शाम के बज ढाई, आज हम घर श्याम जी के जावांगा। तो रेवाड़ी से ट्रेन है 4 और 5 के बीच में बता रहे हैं, तो घर से जावांगा 3:30 बजे। तो अभी पंकज बारगढ़ है नहाने खातर, मैं भी सुबह नहाई थी, अब फिर नहाऊंगी, गर्मी हो रही है। और घर श्याम का मैं एक बार पहले भी गई हुई हूँ और आज एक बार दोबारा जा रही हूँ। ट्रेन से एक बार पहले गई थी और ट्रेन से जा रही हूँ, सॉरी बीच में एक बार और गई थी गाड़ी सी। तो बने रहे लास्ट तक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं व्लॉग को। तो अभी हम घर से निकल गया था और रेवाड़ी आ गया, और पंकज अभी ATM में ₹1,000 निकलवाना। हम रेलवे स्टेशन पर आ गया और ट्रेन आने वाली है 20 मिनट, और बता रहे हैं 20 मिनट में आ जाओ। और अभी टिकट भी कन्फर्म ना आई है, टिकट भी अभी वेटिंग में है। अगर जगह ना मिली ना तो खड़ो खड़ो भी गर्मी में इतनी दूर तक ना जाया जाएगा बिल्कुल भी। तो देखा अभी 20 मिनट तक वेट करा हाँ ट्रेन आ, फिर देखा सुधार कर। तो अभी सीट मिली है लास्ट माँ के अवरिंदर शायद, अभी ट्रेन धीरे धीरे होने लगी है। तो पंकज भी सीट पा गए हैं, भी अभी सीट मिली है। अगर सरूम सीट मिल जाती है तो बहुत मज़ा आता, अभी मिली है सीट। तो आज बुलाना तो बाबा ने कई बार, काफी बार हो रही हो, बार बार कैंसिल हो जाओ, लेकिन आज बाबा ने बुलाना था, चल निकला नहीं। थोड़ा आप दाइनों के लिए बड़े
मंदिर थोड़ी दूर है तो बाबा के लिए मन फूल भी ले लियो और नज़दीकी और भीड़ भी को ना बिल्कुल भी। रास्ता में बोल रहा था कि भीड़ है, कल राधा अष्टमी है भीड़ है, लेकिन बिल्कुल भी भीड़ को ना बहुत खुल्लो खुल्लो है। वो किस साधन क्या उन बोला पैसा चालान गई थी भाई ने। फाइनली श्याम बाबा का दर्शन होगा और अब होटल में आया था तो होटल में हमने आगे जो खानों मंगवाया था तो बहुत तेज भूख लग गई थी तो अब चल खानों खा ले वहाँ पर, उसके बाद फिर घर का तक भी कराया। अच्छी तरह दर्शन होगा, वैसे मेरा पावा ना तो बहुत भीड़ भाड़ रहा था, बिल्कुल भीड़ ना थी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बाय।